यहाँ पे प्रोग्राम हुआ और आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कांग्रेस भाजपा की नीतियों में क्या डिफरेंस है आप मानते हैं सर? कांग्रेस की नीतियाँ हैं गरीब के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए। बीजेपी की नीतियाँ हैं ऊपर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए। और अब आपने कल मोदी आया है, आज भी आएगा। मोदी भाषण कहाँ से शुरू करता है? 370 बाल काट, राष्ट्रवाद के ऊपर चलता ना, किसा राष्ट्रवाद? आरएसएस का कोई राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद ये कितने आज़ादी हुई जब? हाँ हाँ। आज यूँ कहते हैं जय भारत बोलो, हाँ। वंदे मातरम बोलो, इन्हें कदे लड़ाई बोलिए। आरएसएस के एजेंडे को आप खतरनाक मानते हैं सर? देश इस देश का बखराव हो जाएगा आरएसएस के एजेंडे। ये मोदी जी और अगर ये न्यू का न्यू चल गया ना, हाँ। तो आप देखते जाइए, इसमें गरीब आदमी है जो दूसरे हर वर्ग आदमी तंग है। सिर्फ आरएसएस राजी है। आप किसी से बात करिए, व्यापारी से करिए, वो न्यू कहता मर गया। किसान से बात करिए, वो मर गया। दुकान ये पढ़े लिखे से कर दिए, वो न्यू मर गया। हाँ। और फिर सर एक चीज़ भी बताई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। आप तो सर संवैधानिक तरीके से काम करने वाले आदमी होता है आपको, जो वर्ग होता है, क्या आप चिंता होती है इसके लिए? संविधान लोकतंत्र को लेकर खतरा है क्या वाकई में? हर आदमी को खतरा है, जो आदमी समझ रहा है ना वो हर आदमी को महसूस होता है। बाकी वो जब इलेक्शन हो ना, मोदी जी उसने राष्ट्रवाद ठा लिया है, पाकिस्तान पर वो स्ट्राइक करवा दी कि ना करवा दी, अब ने कहा हमारी आर्मी ने स्ट्राइक करवा दी, क्या पहले नहीं हुई? हाँ। क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं हुए? उस आर्मी नहीं थी, ये आर्मी 5 साल में बना दी इसने। आर्मी से कभी से बनी हुई है ना, और आर्मी ने कब नहीं कराया? बीजेपी के राज में जो इन वो पक्ष है वो क्या है, वो पहाड़ी, वो 1 महीना छुटवाई थी। हमारी आर्मी वाला नहीं कही थी अपना कारगिल, आर्मी ने यह कहा था हमें राइट दो, हम 2 घंटे में छुटवाते हैं। 1 महीना में छुटवाई, ज़्यादा कैजुअलिटी किसी वार में इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई। 1971 में 4 दिन में पाकिस्तान वो बांग्लादेश बना। तो सर वोट किस आधार पर डाला जाए? विकास का पैमाना होना चाहिए, क्या आगे क्या अपील करेंगे? नहीं, विकास का साफ कति विकास का होना चाहिए, नौजवान को नौकरी का होना चाहिए, व्यापारी को व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए, किसान को किसान की प्रोडक्शन मिलनी चाहिए उसका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी आपसे बात करके अच्छा लगा। सर क्या आप सहमत हैं वकील साहब की बात से? 100% सहमत हूँ। हाँ। इनने कुछ नहीं कराया शिवा भाई को भाई लड़ाने के लिए। मैं झज्जर के काम गिनाऊँ ना, देखो मेट्रो लाया कौन? हुड्डा लाया। हाईवे लाया? हुड्डा लाया। रेल लाया? हुड्डा लाया। पावर प्लांट लाया? हुड्डा लाया। एक काम तो गिनवा दो, ये विकास ही विकास है, यहाँ पर नजर विकास विकास आता है। और इनने क्या कराया? उनके फीते काटे से बोला झज्जर में विकास कराया, ऐसे कराया, बड़े बड़े पार्क बनाए। तो वोट का पैमाना क्या होना चाहिए? वोट का पैमाना सिर्फ और सिर्फ विकास होना चाहिए। हाँ। और अपने इलाके में विकास कर सकता है ना। हाँ। तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कर सकता है। शुक्रिया। काफी मायने रखता है बुद्धिजीवी वर्ग का जो व्यू होता है। माया नेहरा है मेरे साथ, कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष है। मैम क्या आप भी सहमत हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल सहमत है। क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं। वोट का जो पैमाना है वो विकास का ही होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने वाली सरकार है। हाँ। बाकी जैसे आप इनकी अहबर्दे जो टिप्पणियाँ खुद मुख्यमंत्री के जुबानी सुन रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री को शोभा भी नहीं देता। ये अपने काम गिनवाएं, अपने काम के आधार पर ये वोट मांगे, ना कि जात पात के सिर्फ नारों के आधार पर वोट मांगे। बतौर महिला क्या सुरक्षित महसूस करते हो आप, या कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं के लिए चिंताजनक बात है इस सरकार में? बिल्कुल चिंताजनक बात है जी। खुद इनके MLA MP बेटियों के बलात्कारी आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ में, तो ये सब कुछ सारी जितनी लेडीज़ के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, कहाँ की बेटी बचाओ कहाँ की सुरक्षा, सारे खुद इनके ये नारे जुमलाबाजी रह गई। सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है कहीं पर सरकार में, बीजेपी में कुछ महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। प्रधानमंत्री की अपनी भतीजी जो है, जब उससे उसका पर्स छीन लिया तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? दूसरी बात यह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के नीचे आए हुए हैं। जो हमारा पानी की समस्या है पंजाब के साथ, उसको तो हल नहीं कर पाए और सरस्वती को ट्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना अरबों रुपया खर्च कर दिया, उसका कोई एंड नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है।
दूसरी हाँ सर, आप झज्जर विधानसभा क्षेत्र की और हरियाणा प्रदेश की जनता को बताइए कि वोट का पैमाना क्या होना चाहिए, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए जनता है वोटिंग करे। डेवलपमेंट का होना चाहिए है जी, और ये कंट्रोल नहीं कर पाए बीजेपी वाले, शासन नहीं चला पाए, ये खुद शासित हो गए। इन्होंने शासन करना था, ये ब्यूरोक्रेट्स ने जैसे चलाया। हम गीता को पवित्र मानते हैं, गीता की पूजा करते हैं, लेकिन गीता के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर रिसर्च के ऊपर इतनी समस्याएं हो रही हैं। हमारे देहातों के बच्चे एजुकेशन के बिना रह रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में क्या रेट फीस का है, हैं जी, और जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें टीचर्स की कितनी कमी है। डेवलपमेंट कहाँ हुआ? डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट होना चाहिए सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप भी आ जाइए। कुछ युवा नौजवान बुद्धिजीवी वर्ग से वकील साथी हैं। ओमपाल सिंह एडवोकेट बता दूं। जी जी जी, आप बता दीजिए सर। हाँ, मायसेल्फ ओमपाल सिंह एडवोकेट। जो मैंने अभी विचार व्यक्त किए वो मेनली जो है, जो सरस्वती को ट्रेस करने में हमारा अरबों रुपया लगा, खट्टर साहब को नहीं पता फाइनेंस एक्सचेकर का कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितनी स्टेट घाटे में चली गई है, हम इसको कैसा पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस वालों के लिए तो समस्या खड़ी कर दी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखा, गीता भुक्कल से भी हमने बात की, बुद्धिजीवी वर्ग जो होते हैं वकील साथी हैं और काफ़ी सीनियर साथी थे, उनसे भी बातें की तो पूरा एजेंडा उन्होंने बताया कि विकास का पैमाना है वो क्या होना चाहिए, जनता अगर प्रतिनिधि को चुनती है तो क्या खासियत होनी चाहिए, और बुद्धिजीवी वर्ग से जीडीपी को लेकर भी चिंता जताई है, बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई है, डेवलपमेंट को लेकर चिंता जताई, और ख़ास तौर से एक आरएसएस के एजेंडे को लेकर छुपे हो या खुले तौर पर चर्चा देश में शुरू हो गई है। आरएसएस के एजेंडे को लेकर भी बुद्धिजीवी वर्ग वकील साथियों ने चिंता जताई है, और गीता भुक्कल का वकील साथियों ने जोरदार स्वागत यहाँ पे किया। और बुद्धिजीवी वर्ग की एक खास बात ये होती है कि अच्छे से पढ़ा लिखा वर्ग होता है, किसी भी पार्टी से नेता हो उनको अच्छे से सुनते हैं, वो सारी चीज़ है वो यहाँ पर गीता भुक्कल जी ने वकील साथियों से बात की, वकील साथियों ने अपना समर्थन दिया। अब तो ज़्यादा दिन है नहीं इलेक्शन में, तो देखना होगा कि उठ किस करवट बैठेगा। फिलहाल इस खबर के लिए शुक्रिया।